हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपनी किचन में। हम बनाने वाले हैं टोमेटो सॉस, तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को आप मैगी पकौड़े मोमोज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने 1 kg टमाटर ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से धो लिया है। तो अगला स्टेप है हमारा, इनको साफ करने के बाद प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है। ठीक, रुको रुको। अब मैंने पकने के लिए इसे, अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे और इसके 2 सीटियां लगवाएंगे। तो 2 सीटी लगने के बाद हमारे टमाटर जो है पक के रेडी हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे टमाटर जो है पक के रेडी हो चुके हैं और इसके बाद हम लोग इसको मिक्सी जार में डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। आने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि ये जब ठंडे हो जाएं तभी इसमें ग्राइंड करें। इतने करने पहले ग्राइंड करने के बाद इस तरह का पेस्ट बना के तैयार करना है। तो अब एक कढ़ाई ले लेते हैं और लो फ्लेम में पकने के लिए इसे रख देते हैं। अब हम इसे लो फ्लेम में तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसने अपना कलर छोड़ दिया है। फाइनली ये पकते तैयार हो चुका है। तो इसमें हम अभी इसको टेस्टी बनाने के लिए बासमती डाल देंगे। सबसे पहले मैंने डाल दी है चीनी, अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, अब कलर देने के लिए इसमें डालेंगे रेड चिल्ली। इसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें विनेगर, आवश्यकता अनुसार विनेगर। अभी आप लोग देख सकते हैं कि सॉस ने कितना प्यारा कलर ले लिया है और इसमें बुलबुले भी आने शुरू हो गए हैं। इस पॉइंट पर आकर आप समझ जाएं कि आपकी सॉस पककर रेडी हो चुकी है और सारे जो फ्लेवर हमने इसमें ऐड किए थे वो पक के तैयार हो चुके हैं। अगर सॉस को लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सॉस को कांच के बर्तन में ही रखें। अब लास्ट में आपको एक बर्तन ले लेना है और उसमें पानी डालना है, उसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद ये जो दोनों बोतलें हैं इसमें डाल देंगी। तो इससे होगा क्या कि हमारी जो सॉस है ये लंबे समय तक खराब नहीं होगी। तो लीजिए, ये सॉस बनके अभी तैयार हो चुकी है। आज की ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूंगी।